हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको गोवा की प्राइम लोकेशन में कुछ बेस्ट स्टे ऑप्शन बताने वाला हूं। इसमें मैं मेन हॉस्टल की बात करने वाला हूं, जो आपको 300 से लेके 700 के अंदर गोवा के कुछ बेस्ट हॉस्टल बताने वाला हूं। और ये हॉस्टल्स गोवा की प्राइम लोकेशन में है, जैसे बागा, केलंगुट, अंजुना, कैंडोलिम, वेगाटोर, ये सारी लोकेशन गोवा की प्राइम लोकेशन है। यहां से गोवा की नाइट लाइफ, बेस्ट प्लेसेस, ये सारा कुछ आपको काफी पास पड़ेगा और सिर्फ आप 300 to 700 के बीच में काफी अच्छे स्टे ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आप बजट में गोवा जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट रेटिंग वाले हॉस्टल दिखाऊंगा और उसके साथ मैं आपको गूगल की रेटिंग भी दिखाऊंगा। सेकंड, मैं आपको इसमें प्राइस भी शो कराऊंगा। प्राइस मैं आपको डायरेक्ट बुकिंग साइट के थ्रू दिखाऊंगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अभी मैं जो प्राइस दिखाने वाला हूं, ये करंट प्राइस होंगे, बट जब आप अपनी ट्रैवल के हिसाब से सर्च करेंगे तो हो सकता है ये प्राइस 100-200 रुपए कम या ज्यादा हो सकते हैं, बट इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि किस कॉस्ट में आपको बेस्ट हॉस्टल मिल सकता है। सेकंड चीज, आप अपना होटल किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बुक कर सकते हैं। और आप जब अपने लिए हॉस्टल बुक करें तो जो भी आपको हॉस्टल पसंद आए पूरी लिस्ट में जो आपको आगे बताने वाला हूं, उसी सेम हॉस्टल को अलग अलग बुकिंग साइट में उसी डेट पे आप सर्च करके जरूर देखें। हो सकता है आपको किसी ना किसी बुकिंग साइट में बहुत अच्छी डील मिल जाए, बहुत कम पैसों में आपकी हॉस्टल बुकिंग हो जाए। तो चलिए स्क्रीन पे मैं आपको वन बाय वन सारे हॉस्टल दिखाता हूँ। सबसे पहला है द हॉस्टलर गोवा कैंडोलिम। सबसे पहले ये देखिए, ये हॉस्टल आपको कैंडोलिम मेन प्राइम लोकेशन में मिल रहा है। तो इसकी रेटिंग की बात करूं तो इसको 5 में से 4.3 स्टार मिले हैं और 419 लोगों ने रेटिंग भी करी है। इसके अलावा आप इसका प्राइस देखिए, सिर्फ 444 का है, प्लस टैक्सेस अलग से है, तो मतलब आपको 550 रुपए के अंदर ये हॉस्टल मिल जाएगा। और इस हॉस्टल में आपको क्या क्या मिल सकता है, आपको स्विमिंग पूल मिल सकता है, आपको वाईफाई मिलेगा, इंडोर गेम्स है, काफी कुछ चीजें आपको इसमें मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, ये प्राइम लोकेशन में है। इसके अलावा इसकी गूगल रिव्यू बात करूं तो ये देखिए, आपको गूगल रेटिंग इसकी 4.7 स्टार है इसके आउट ऑफ 5, ये बहुत अच्छी रेटिंग कहलाती है। और गूगल में 1119 लोगों ने रिव्यू भी किया है, तो ये आपके लिए मेन लोकेशन में एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसको भी देख सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको जो भी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, ये मैंने सर्च आउट करी है गूगल में बुकिंग साइट के थ्रू, जो भी आपके लिए बेस्ट प्रॉपर्टीज है मैंने निकाली है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बस आपको बजट में एक अच्छा ऑप्शन मिल जाए स्टे के लिए गोवा में, इसी के लिए मैंने सारा कुछ सर्च आउट करके निकाला है। नेक्स्ट है सॉर्ट बाय स्टेज अंजुना। इसका प्राइस देखिए आप, 292 रुपीस प्लस टैक्सेस हैं, मतलब आपको 370 रुपीस के आसपास में ये आपको स्टे ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले इसकी रेटिंग देखिए, 4.6 स्टार इसको मिले हैं आउट ऑफ 5। और इसकी लोकेशन है अंजुना, अंजुना बीच से सिर्फ 840 मीटर दूर है, तो लोकेशन भी काफी अच्छी है। इसमें आपको काफी सारी चीजें मिल जाती है, इंडोर गेम्स, बार, वाईफाई और भी बहुत कुछ मिल जाता है आपको इसमें। और अंजुना एक प्राइम लोकेशन भी है, बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड नहीं है जैसे बागा केलंगुट है, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। बात करूं उसकी गूगल रेटिंग की, तो देखिए गूगल में इसको 4.9 स्टार मिले आउट ऑफ 5, 413 लोगों ने इसमें गूगल रिव्यू किया है, तो इसकी गूगल रेटिंग भी काफी अच्छी है, तो ये भी एक आपके पास अच्छा ऑप्शन है, इसको भी आप देख सकते हैं अपने ट्रिप के लिए। नेक्स्ट है गो स्टॉप्स गोवा, ये बागा में है, यहाँ से आपको बागा बीच काफी पास पड़ेगी। इसके प्राइस की बात करूं तो ये ओनली 475 रुपीस का है आपको मिलेगा, ये करंट प्राइस है। और इसकी रेटिंग की बात करूं तो इसको 7.9 स्टार मिले आउट ऑफ 10, तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप नियर बागा बीच के आसपास देख रहे हैं तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है बजट में। और इसके अलावा इसकी गूगल रिव्यू की बात करूं तो इसको 4 स्टार मिले आउट ऑफ 5, 390 गूगल रिव्यू है इसके, ये आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं, तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है अगर आप नियर बागा बीच अपना स्टे देख रहे हैं या फिर आप नाइट लाइफ के पर्पज से गोवा जा रहे हैं, तो क्योंकि मेन नाइट लाइफ आपको बागा बीच के आसपास ही मिलेगी। नेक्स्ट है हूपर्स हॉस्टल अंजुना, ये मेन अंजुना में अंजुना बीच के पास में ही है। और इसकी रेटिंग की बात करूं तो 4.2 स्टार है आउट ऑफ 5। इसके अलावा इसके प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस है 512 रुपए है, प्लस टैक्स है। और अंजुना काफी अच्छी लोकेशन है, यहाँ पे आपको काफी अच्छे बार एंड शेक्स भी मिलेंगे। इसके अलावा इस हॉस्टल की बात करूं तो इस हॉस्टल में आपको बेसिक जो सभी हॉस्टल में मिलता है, गेम, वाईफाई, बेसिक चीजें आपको हर हॉस्टल में मिल जाएंगी, तो ये भी काफी अच्छी रेटिंग है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और अगर आपको यहाँ से बागा जाना है तो बागा 4-5 किलोमीटर दूर ही है, आपके पास स्कूटी रेंट पे रहती है तो आप वहां भी जा सकते हैं। इसके अलावा इसकी गूगल रेटिंग की बात करूं तो इसकी गूगल रेटिंग है 4.8 स्टार आउट ऑफ 5, काफी अच्छी रेटिंग है इसकी और 1200 प्लस लोगों ने इसमें रिव्यू किया है, तो ये भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है मित्रा हॉस्टल वेगाटोर, ये हॉस्टल वेगाटोर बीच के पास है और इसकी रेटिंग की बात करूं तो 4 स्टार है आउट ऑफ 5। और इसमें भी आपको सारी
बेसिक चीजें मिल जाएंगी जैसे वाईफाई, इंडोर गेम्स, और इसका प्राइस है 441 प्लस टैक्स, तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है। आपको अगर पीसफुल एरिया में स्टे करना है तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके गूगल रिव्यू की बात करूं तो ये देखिए इसका 4.8 स्टार है आउट ऑफ 5 एंड 521 गूगल रिव्यूज हैं इसके, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए स्टे के लिए। तो अगर आप चाहें तो इसको भी एक अपना ऑप्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन नेस्ट हॉस्टल बागा। ये हॉस्टल आरपुरा के पास है, यहाँ से आपको बागा और कैलंगुट काफी क्लोज पड़ेगा। इसकी रेटिंग की बात करूं तो इसके 4.5 स्टार है आउट ऑफ 5, जो काफी अच्छी रेटिंग कहलाती है। और इसकी प्राइस की बात करूं तो इसका 344 रुपीस प्राइस है प्लस टैक्सेस, तो अंडर 450 ये काफी अच्छी प्रॉपर्टी है नियर बागा एंड कैलंगुट बीच। और इसमें भी आपको सारी बेसिक चीजें मिल जाएंगी, वाईफाई, इंडोर गेम्स और भी सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। प्लस इसके गूगल रिव्यू की बात करूं तो ये देखिए इसको 4.6 स्टार मिले हैं आउट ऑफ 5 और इसमें 502 लोगों ने रिव्यू किए हैं, तो इसकी रेटिंग काफी अच्छी है। चाहे आप बुकिंग साइट में देख लो चाहे गूगल में देख लो, काफी अच्छी रेटिंग है। इस पूरी वीडियो में आपको जो भी हॉस्टल दिखा रहा हूं इनकी रेटिंग्स आपको काफी अच्छी मिलेगी, मैंने काफी सर्च आउट करके ही इनको निकाला है, तो ये भी आप देख सकते हैं, हॉस्टल भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है डाउनटाउन अंजुना द पार्टी हॉस्टल। ये थोड़ा सा कॉस्टली है बट इसकी रेटिंग काफी अच्छी थी तो मैंने इसको इस लिस्ट में ऐड कर दिया है। अगर आपको ये सुटेबल है तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसकी कॉस्ट आ रही है 812 रुपए प्लस टैक्स। इसकी रेटिंग है 4.6 स्टार आउट ऑफ 5 और ये अंजुना बीच के आसपास है। इसमें आपको स्विमिंग पूल, वाईफाई, बारबेक्यू, रेस्टोरेंट सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, तो अगर आपको सुटेबल लगता है तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसकी गूगल रिव्यू की बात करूं तो इसको 5 में से 5 स्टार मिले हैं और 163 लोगों ने इसमें गूगल में रिव्यू भी किया है, तो अगर ये आपको सुटेबल है तो आप इसको भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सो एक्सो हॉस्टल, ये भी अंजुना के पास है। इस वीडियो में मैं आपको जो भी हॉस्टल दिखा रहा हूँ ये सारे नॉर्थ गोवा में है। अगर आप चाहते हैं कि मैं साउथ गोवा के भी हॉस्टल शेयर करूं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। ये एक्सो एक्सो हॉस्टल है अंजुना में और इसकी रेटिंग है 3.9 स्टार आउट ऑफ 5। इसमें ऑलमोस्ट 1100 रेटिंग है और ये भी आपको विद टैक्सेस अंडर 500 में आ जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें सारी बेसिक सुविधाएं मिल जाएंगी। और बात करूं इसकी गूगल रेटिंग की तो इसकी 4 स्टार रेटिंग है गूगल में आउट ऑफ 5 और इसमें लगभग 1326 लोगों ने गूगल रिव्यू किया है, तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है बेडरॉक हॉस्टल, ये बागा कैलंगुट के पास है। आपको यहाँ से बागा कैलंगुट काफी क्लोज पड़ेगा और इसकी कॉस्ट की बात करूं तो आपको अंडर 500 में पड़ेगा। इसमें आपको सारी बेसिक सुविधाएं मिल जाएगी, वाईफाई, इंडोर गेम्स। इसकी रेटिंग थोड़ी सी कम है, 3.5 स्टार है आउट ऑफ 5, बट अगर आपको नियर बागा बीच एंड कैलंगुट बीच के देखना है तो ये बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। और इसकी गूगल रिव्यू की बात करूं तो 3.8 स्टार इसकी रेटिंग है, 721 लोगों ने इसमें रिव्यू किया है गूगल में, तो ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्राफ्ट हॉस्टल, ये अंजुना बीच के पास में है। इसकी कॉस्ट की बात करूं तो आपको 599 में विद टैक्सेस पड़ेगा ये, और इसकी रेटिंग की बात करूं तो 9 रेटिंग है इसकी आउट ऑफ 10, जो काफी रेयर होती है, ये भी ऑप्शन आपके लिए। इसमें आपको सारी बेसिक सुविधाएं मिलेंगी, एक्टिविटीज, गेम, वाईफाई, सारी चीजें मिलेंगी और ये लगभग 100 मीटर दूर है बीच से। और इसके गूगल रिव्यू की बात करूं तो इसकी 4.7 स्टार रेटिंग है आउट ऑफ 5 और 600 प्लस रेटिंग्स है गूगल में इसकी, तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है आपके पास अंजुना में। नॉर्थ गोवा के मोस्टली हॉस्टल आपको अंजुना बीच के आसपास ही मिलेंगे। नेक्स्ट है द फंकी मंकी हॉस्टल, ये भी अंजुना में है और इसकी रेटिंग काफी अच्छी है, 8.3 स्टार है आउट ऑफ 5 और इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको 509 में विद टैक्सेस मिलेगा। और इसके अलावा इसके गूगल रिव्यू की बात करें तो इसकी 4.5 स्टार है आउट ऑफ 5 और 723 इसके गूगल रिव्यू भी हैं, ये भी आप चेक कर सकते हैं गूगल में, तो ये भी आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। अब इन सभी ऑप्शन में जो भी आपको बेस्ट लगे, आपके हिसाब से जो भी सुटेबल हो, आपके प्राइस के हिसाब से, और हॉस्टल की फुटेज आप देख लें, सब कुछ आप देख लें, उसके बाद आपको जो भी सही लगता है वो आप अपने लिए बुक कर सकते हैं। और इन हॉस्टल को आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बुक कर सकते हैं, जहां भी आपको बेस्ट डील मिले आप सारी बुकिंग साइट से एक बार कंपेयर जरूर कर लें। और इसके अलावा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें जो भी गोवा ट्रिप प्लान कर रहा है।